हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ये मिर्च का अचार। इसमें कुछ हरी भी है, कुछ लाल भी है, तो ये मिक्स ही है सारी। तो अभी इसमें डालने के लिए हमें चाहिए होगा, ये है राई, एक चम्मच डालूंगी, और ये है अजवाइन, ये भी मैं आधा चम्मच डालूंगी, और ये सौंफ है, एक चम्मच डालूंगी, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो चलिए पहले इन सारी चीज़ों को भून लेते हैं, फिर इन्हें पीसेंगे, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे राई हमारी चटकने लगी है। तो अभी ये भुन गया है, तो अभी इसे मैं पीस रही हूँ। अभी इसी पैन में मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा डालना है, 5-6 चम्मच टाइप। अभी इसे गर्म होने देते हैं। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो ये जो मैंने इसको पीस के रखा था वो डाल रही हूँ मैं। ये देखिए, मैंने ज़्यादा नहीं, इसे दरदरा सा ही पीसा है, आंच को बिल्कुल ही कम रखना है, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये पूरे का पूरा मसाला जल जाएगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच देगी मिर्च, मिक्स कर देते हैं। अभी ये मिर्च डाल रही हूँ मैं, अब एक नींबू लेके उसे डाल दूंगी। तो ये मिर्च बस आप जैसे ही बनाई है उसके बाद ठंडी करो, और आराम से उसी टाइम आप खाना स्टार्ट कर सकते हो इसे। तो ये लीजिए, हमारा मिर्च का अचार बन के तैयार हो गया है। अभी आप एक ऐसे वाला कांच वाला कुछ भी आपके पास पड़ा है वो ले सकते हो, और उसमें ये अचार को डाल के रख सकते हो। अगर नींबू का रस कम लगे तो आप इसी के ऊपर ऐसे ही डालोगे तो वो भी अच्छा है। ये सारा मसाला भी निकाल लूंगी मैं। ये लीजिए, ये हमारा अचार बनके रेडी हो गया है।